विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के कारण बारिश का दौर जारी है। गुजरात के कच्छ और आसपास के इलाकों में लो प्रेशर के कारण गुजरात में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश होने की संभावना है। अगले दो दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों तक गुजरात रीजन में भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लो प्रेशर के कारण आसपास के इलाकों में बारिश होगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा बारिश की चपेट में रहेंगे। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का प्रभाव जारी है। इसी बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बारिश से द्वारका में हालत बेकाबू होते दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। गुजरात के द्वारका की तरह ही पोरबंदर और जूनागढ़ में बारिश से दिक्कतें बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। गुजरात के भावनगर में समुद्र में तेज करंट के चलते पोर्ट पर 3 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। बताते चले कि सौराष्ट्र के जामनगर, गीर, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, भावनगर, अमरेली जिले में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण जूनागढ़ की नदी में भी पानी ऊपर तक बह रहा है, लिहाजा स्थानीय लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई हिस्सों, खासकर मुंबई में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। मुंबई में मानसून ने शानदार दस्तक दी है, जिसके बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बार भी मुंबई में पहली बारिश में बीएमसी के काम की पोल खुल गई। मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरा रहा और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। एक तरफ महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा है, तो दूसरी तरफ बारिश से बेहाल लोग। अगर बिहार की बात करें तो मंगलवार तक पूरे राज्य में जगह जगह बारिश होगी। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक बिहार में जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।